कटनी जिले के हितोली विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिद्धहाई पिपरिया के ग्राम बगेहा कबीर कुटी के सामने नंदावन मार्ग पर लगा ट्रांसफार्मर महीने भर से खराब पड़ा हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक व लिखित जानकारी भी दी गई, लेकिन ट्रांसफार्मर तो लगना दूर अधिकारियों को देखने तक के लिए समय नहीं मिल पाया है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। हम तो किसी तरह से परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे सहन नहीं कर सकते। सबसे अधिक परेशानी तो पानी की हो रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण तालाब से पानी भर कर लाना पड़ रहा है और तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली की सुविधा न मिलने से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच सुंदर लाल आदिवासी सहित ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा कई दफा विद्युत विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण मोहल्लेवासी परेशान हैं। यदि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा कहना इससे है कि मैं अनुभाग के अधिकारी बिहार का हूँ जी। तो जो 121 मतदान केंद्र जो हमारे थाना क्षेत्र बरही में आते हैं और जनपद पंचायत बरवारा में आते हैं जी, इसलिए हमारा गांव गांव जाकर के सभी लोगों को हम बता रहे हैं कि आप नज़दीक होकर वोट डालें, किसी की बात मत लगे, जहाँ आप इच्छा हो वहाँ वोट डालें और कोई आपका जबरन दबाव देता है कि इसको वोट दो ऐसा वोट ना दो किसी प्रकार की बात। सर, मतदाताओं को आप अपनी माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? ये कहना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से मत दें जी, जहाँ भी आप हो तो स्वतंत्र रूप से मत दें, ना किसी के लोभ में आए ना किसी के दबाव में आए। यदि कोई ऐसा करता तो थाना को सूचित करें। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।